Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing integration, and this is a lecture number 11. I hope you have already watched part 1 to part 10 before watching part 11. Today I am going to discuss about some other type of integration and how to and what to discuss. Let me explain this and try to understand this. This is a type 7, you can say. Type 7, integration of type 7. This type of integration can be solved by using this fact key. Dx upon ax square plus bx plus c. Dx upon ax square plus bx plus c. If there is such type of integration, that is a quadratic function in denominator, whereas in numerator there is nothing else. So to solve this kind of question, what to do? We have to make it perfect square. Perfect square. So this type of integration, anywhere if it is given, we have to make it perfect square. Make perfect square. What is this? Make perfect square. Perfect square. To make perfect square, what are the steps? A step, वैसे तो सबको आता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ. फर्स्ट स्टेप क्या है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को यूनिटी बनाओ. मेक कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी. ठीक है. दूसरा स्टेप क्या है? एड एंड सब्ट्रैक्ट. एड एंड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ half of coefficient of x, coefficient of x, x के coefficient के half का square plus करें और minus करें. और तीसरी जो सबसे important बात होगी वो क्या होगी कि convert in x square plus minus a square और a square plus minus x square. किसी भी एक फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट कर ले. ठीक है. तो आपको प्लस माइनस भी लिख सकते हो, ऐसे x square plus a square दोनों में एक ही चीज है. फिर यूज द फॉर्मूला, देयर आफ्टर यूज द फॉर्मूला. सो लेट मी डिस्कस फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा था उसको आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. तो चलिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करके देखते हैं कि इनको हमें सबसे पहले क्या करना है. सबसे पहले इसको एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को यूनिटी बनाना है. अगर ऑलरेडी वन है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं है तो यूनिटी बनाना है. उसके बाद क्या करना है? एड एंड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स के कोफिशियंट के हाफ का स्क्वायर प्लस करना है और माइनस करना है. चलिए कुछ क्वेश्चन के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं. पहला क्वेश्चन लेते हैं. dx upon x square minus 4x plus 3, ये लिखा. अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? तो इस क्वेश्चन में जो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या बात बताई मैंने कि x स्क्वायर के कोफिशियंट को यूनिटी बनाना है. यहाँ तो ऑलरेडी वन है तो पहला स्टेप आपका किया हुआ है, आपको करने की जरूरत नहीं है. दूसरे स्टेप के लिए क्या है कि x के कोफिशियंट के हाफ का स्क्वायर प्लस करना है और माइनस करना है. तो x का कोफिशियंट क्या है? माइनस फोर. माइनस फोर का हाफ क्या होगा? माइनस टू. तो माइनस टू का स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर क्या हो गया? फोर. फोर प्लस करना है और फोर माइनस करना है. तो हमने फोर प्लस कर दिया और फोर माइनस कर दिया और प्लस थ्री पहले से था सो उसको भी लिख दिया. तो अब क्या हो जाएगा? ये इंटीग्रेशन हो जाएगा dx अपॉन x माइनस 4x प्लस 4, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 1, माइनस 1 बच गया, उसको भी हम माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. अब इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, इस पूरे को आप x के जगह पे यूज कर सकते हो. मान लीजिए अगर हम इसके t मानते तो ये dt हो जाता क्योंकि x का डेरिवेटिव dx.
और ये इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसको हम टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इसको कोई और वेरिएबल आप एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन एज्यूम करके दिखाने की जरूरत नहीं है। इसमें फॉर्मूला में हम अभी चूंकि शुरुआत है तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं फिलहाल। समझने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन कर देता हूं यहाँ पे कि इसको आप पुट कर दीजिए। क्या पुट x -2 = t, x -2 = t, सो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। तो आपका ये जो इंटीग्रेंड है वो हो जाएगा dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और t स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, हेयर इट वुड बी t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस c, सो दैट विल बी 1/2 log, व्हाट इज t, x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, दैट इज 1/2 log x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 प्लस c, आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहां से भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे और सीधे लिख सकते थे कि आंसर क्या होता है इसका, dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सो आंसर आ जाता 1/2 log 2a, होता है a 1 है, log x माइनस a अपॉन x प्लस a, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाता प्लस c, यानी 1/2 log x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 प्लस c, सेम आंसर आ जाता जो यहाँ आंसर आया है वही आंसर यहाँ था, सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक तो आप सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे इस तरह से हम बार बार, और दूसरा कि हम इसको बिना सब्स्टिट्यूशन के भी लिख सकते हैं, और तीसरा कि इसको तीसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो देखिए अभी आपको हमने बताया था, इसी का हम अल्टरनेटिव मेथड बता देते हैं। अल्टरनेटिव मेथड क्वेश्चन हमारा ये है कि इंटीग्रेशन इज इक्वल टू dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इसको आप चाहें तो ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं कि x स्क्वायर माइ फैक्टर बना लें, तो आप इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, और कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा क्या, x माइनस 3 और x माइनस 1, ठीक है। फिर इसको आप लिख सकते हो क्या खोया क्या पाया, जो थ्योरी हमने आपको बताई है उस थ्योरी के हिसाब से x माइनस 1, और यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 3, ठीक है। तो ये x माइनस 3 इधर आएगा, माइनस x माइनस 1 तो माइनस 2 रह जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 कर ले और यहाँ पे 1 कर लीजिए, ऐसा लिख देता अगर तो क्या होता बताइए, dx। अब यहाँ पे क्या होता, x माइनस 3 ये x माइनस 1 माइनस x प्लस 3, एक्स एक्स तो कट जाएगा और प्लस 3 में से माइनस 1 निकल जाएगा तो 2 बच जाएगा, यानी ऊपर 2 पाया तो 2 से डिवाइड कर दूं तो न कुछ खोया न कुछ पाया, इसका मतलब हो गया 1/2, और एक इंटीग्रेशन हो गया dx अपॉन x माइनस 3 बोलिए, और एक इंटीग्रेशन हो गया dx अपॉन x माइनस 1, ये दो इंटीग्रेशन हो गए। आपको पता है कि नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव हो तो क्या लिखते हैं, एक्स का डेरिवेटिव डीएक्स है और थ्री का 0। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि एक्स का डेरिवेटिव तो एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होता है, हाँ जी बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक्स का डी बाई डीएक्स ऑफ एक्स 1 होता है, ठीक है। तो हम एक्स का डेरिवेटिव क्या लिख रहे हैं, डीएक्स, क्यों, क्योंकि हम उसको किसी और के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 लिखते हैं, एक्स का डेरिवेटिव किसी अनोन के रेस्पेक्ट में डीएक्स ही होएगा, 1 नहीं होगा, अब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तब 1 होगा, तो इसलिए एक्स का डेरिवेटिव डीएक्स, एक्स का डेरिवेटिव यहाँ डीएक्स, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है तो क्या आंसर आएगा, तो आंसर आता है लॉग ऑफ नीचे वाला, यानी 1/2 लॉग ऑफ कितना बताएं, ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं प्लस सी, है ना, प्लस सी, तो ये हो जाएगा 1/2 log x माइनस 3 अपॉन log x माइनस 1 प्लस सी,
तो इस क्वेश्चन को आप इस अल्टरनेट मेथड से भी कर सकते हैं, यानी एक ही क्वेश्चन करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको पैटर्न याद रहे तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन करने में सहूलियत होगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब दूसरा सवाल करते हैं। ये है dx अपॉन 4x² प्लस 8x-9 dx, ऐसा कुछ लिखा है, तो आप इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए ये क्वेश्चन है, हम सबसे पहले जो सीखे हैं उसमें क्या करना है कि 1/x² के कोफिशियंट को यूनिटी बनाना है, यानी 4 को यूनिटी बनाना है। तो ये हो जाएगा dx अपॉन x² यूनिटी बनाने के लिए 4 को कॉमन लेना पड़ेगा, प्लस 2x-9/4 हो गया। अब इसमें x के कोफिशियंट के हाफ का स्क्वायर प्लस करना है और माइनस करना है, तो x के कोफिशियंट क्या है, 2, 2 का हाफ क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर प्लस करेंगे यानी 1 प्लस करेंगे और 1 माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, और ये हो गया dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4-9 -13/4, -13/4 आ गया। इसको आप लिख सकते हैं dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस √13/2 का होल स्क्वायर। अब इसको उसी तरह से ट्रीट कर सकते हैं जैसे dx अपॉन x² - a² होता है। क्या फॉर्मूला होगा जी? फॉर्मूला होता है 1/2a, यानी 1/4 × 1/2a, a का मतलब √13/2 log x माइनस ए, एक्स की जगह पे एक्स प्लस 1 है, -√13/2 अपॉन एक्स प्लस ए √13/2 ऐसा होगा, प्लस सी। तो ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, यानी ये हो जाएगा 1/4 √13 log, कितना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x+2 -√13 अपॉन, नीचे हो जाएगा 2x+2 +√13 प्लस सी आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आप क्वेश्चन को पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को यूनिटी बनाएं और यूनिटी बनाने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन ऐसा हो, यहाँ पे जो पहले टाइप हमने लिखा था, यहाँ पे इसको आप इस टाइप में हो तब भी आप ऐसा ही कर सकते हैं, लाइक dx अपॉन अंडर रूट में x² प्लस bx प्लस c हो तब भी यही काम करना है, इसके सिवाय कुछ और नहीं करना है। तो हम अब इस पे भी दो चार क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा, थर्ड लेते हैं। ये है इंटीग्रेशन dx अपॉन, ये हो गया 1 -2x - x² अंडर रूट। इस क्वेश्चन को करने के लिए यहां भी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यूनिटी नहीं है, क्या है, देखने में तो ऐसा लग रहा है लेकिन -1 है, तो माइनस को हमें बाहर कॉमन लेना पड़ेगा, लेकिन माइनस को कॉमन लेने के लिए बच्चे क्या करते हैं कि इसको रूट के बाहर कॉमन ले लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं x² + 2x - 1, और ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि रूट के बाहर आप माइनस को कॉमन नहीं ले सकते, यानी माइनस को कॉमन लेना है लेकिन रूट के अंदर ही कॉमन लेना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब ये हो गया dx अपॉन अंडर रूट, और जैसे ही ये माइनस रूट के बाहर कोई कॉमन लेगा उसको काट के 0 नंबर मिल जाएंगे, अगर नंबर देना हुआ तो, इसलिए इसको ऐसे समझते हैं, x² कोफिशियंट ऑलरेडी 1 है, x का कोफिशियंट 2 है, 2 का हाफ 1, तो 1 प्लस और 1 माइनस करेंगे, एक 1 पहले से माइनस है, तो ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट, माइनस कॉमन है ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर -2, ये चीज आ जाएगा, है ना, अब ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा dx अपॉन अंडर रूट 2 - x + 1 का होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं dx अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर -x + 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में आएगा। अब ये फॉर्मूला हो गया, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1xa² - x² क्या होता है, साइन इनवर्स x/a, तो ये आंसर आ जाएगा प्लस सी,
ये आंसर हो गया। सो क्वेश्चन करने के लिए आपको इस पैटर्न का भी हो, रूट में हो तब भी आपको वही वाला तीन फॉर्मूला जो आखिरी में बताया था वो इस्तेमाल होंगे, लेकिन उस फॉर्मूला को लगाने के लिए पहले क्या करना होगा, क्वेश्चन को ये सिंप्लीफाई करके और परफेक्ट स्क्वायर बना के उस फॉर्म में लाना होगा। और ध्यान रहे कि माइनस को आप रूट के बाहर कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा हो, ये देखो dx अपॉन 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये थोड़ा टिपिकल टाइप लग रहा है। अब इसको हम बाहर इसको बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 4 को कॉमन लेना पड़ेगा। 4 कॉमन लोगे तो बाहर आके क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 1/2 dx अपॉन अंडर रूट में क्या क्या बच जाएगा, x² माइनस 3/4x प्लस 7/4 होगा, ठीक है। अब इसको क्या करें, अब इसको करेंगे dx अपॉन अंडर रूट x² माइनस 3/4x, x के कोफिशियंट का हाफ, 3/4 का हाफ क्या होगा, 3/8, तो 3/8 का स्क्वायर प्लस कर देंगे और 3/8 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, 7/4 लिख देंगे, ठीक है, 7/4 भी लिख देंगे और ये चीज आ जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, अब इसके बाद ही क्या होगा, यहां हमने ट्रांसफॉर्म किया है, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, यानी ए माइनस 3/8 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3/8 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे हो गया 7/4 माइनस 3 का स्क्वायर 9/64, 8 का स्क्वायर 64। तो ये सारा चीज किसके अंदर है, रूट के अंदर, ये सारा चीज रूट के अंदर है, सो आपको रूट के अंदर लिखना चाहिए, है ना, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं dx अपॉन x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर माइनस, ये हो गया 16 सते 112, 112 में से 9 गया 103, तो मिलेगा अंडर रूट 103 अपॉन नीचे एलसीएम होगा 64, जिसको 8 लिख सकते हैं इसका स्क्वायर, और ये क्या हो गया अंडर रूट में है पूरा चीज, है ना। तो ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या फॉर्मूला सीखा था हमने, याद है आपको, याद है, लॉग एक्स प्लस, एक्स का मतलब एक्स माइनस 3/8 प्लस जो है सो, यही चीज, ये चीज लिखना है मतलब ये चीज लिखना है, ये चीज लिखना है मतलब ये चीज लिखना है, ये चीज लिखना है मतलब ये चीज लिखना है, तो आप सीधे ये लिख सकते हैं क्योंकि ये सब सिंप्लीफाई करके यही आएगा, इसको हमने कन्वर्ट करके ये लिखा है इसलिए यही आएगा, तो आप सीधे इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3/4x प्लस 7/4, ठीक है, प्लस सी, अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3/8 इधर आ जाएगा, 8x माइनस 3 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे भी कुछ इस तरह का होगा कि ये 4x² माइनस 3x प्लस 7/4, 2 बाहर आ जाएगा, वो सारा कांस्टेंट इधर आके माइनस हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये आंसर होगा, ठीक है। अब इसका कुछ और भी एप्लीकेशन हो सकता है, कैसा एप्लीकेशन हो सकता है जी, थोड़ा और देखते हैं क्वेश्चन में एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है इसका। इस फॉर्मूले का ऊपर में जैसे ये लिखा है cos x dx और नीचे में लिखा है अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x साइन स्क्वायर एक्स माइनस 8 sin x प्लस 9, ऐसा कुछ, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब आपको देख के आइडिया लग रहा होगा, आइडिया लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अगर नहीं लग रहा है तो पढ़ना बेकार है, अगर लग रहा है तो बताइए, बिल्कुल लग रहा है कि चूंकि कॉस एक्स डी एक्स ऊपर है तो हमें साइन एक्स को टी पुट करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर लेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू टी, पुट कर लेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी, तो ये इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन जो है वो हो जाएगा कुछ इस तरह का, क्या हो जाएगा ऊपर में डी टी और नीचे में हो जाएगा अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 9,
और इसको अब फिर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, वही पुराने गाने, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस 8t, टी का कोफिशियंट 8 है, 8 का हाफ यानी 4 का स्क्वायर प्लस करेंगे 16, और 4 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 9 माइनस 16 यानी क्या हो जाएगा, -7, सीधे लिख सकते हैं। अब स्टेप बचाने लग गए, ठीक है। फिर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन टी माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 7 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, है ना। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, याद है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये होता है लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, मॉड एक्स प्लस जो है वो, यही चीज, ये चीज मतलब ये चीज, ये चीज मतलब ये चीज, तो अंडर रूट हो गया टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 9 प्लस सी, यानी अब टी की वैल्यू अगर आप रखते हैं तो ये आंसर आ जाएगा। और टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है लॉग, टी का मतलब साइन एक्स, साइन एक्स माइनस 4 प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस 8 साइन एक्स प्लस 9 प्लस सी, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अप्लीकेशन इसका ऐसे भी हो सकता है, क्वेश्चंस का अप्लीकेशन तरह तरह से कर सकते हैं, आपको कंसेप्ट आना चाहिए, अप्लीकेशन में तो कुछ भी हो सकता है। जैसे अब एक और अप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। मान लीजिए हमने ऐसा लिख दिया, ई टू द पावर एक्स अपॉन अंडर रूट ई टू द पावर 2x माइनस 5 ई टू द पावर एक्स प्लस 6 लाइक दिस डीएक्स। अब यहां पे भी आपको देख के लग रहा होगा कि क्यों ना हम ई टू द पावर एक्स को टी पुट कर दें, ई टू द पावर एक्स को टी पुट कर देंगे तो ई टू द पावर एक्स डीएक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तब ये इंटीग्रेंट क्या हो जाएगा, ऊपर में डी टी हो जाएगा और नीचे में ई टू द पावर एक्स को टी पुट किया है तो ये टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो है नीचे में टी स्क्वायर माइनस 5t, टी के कोफिशियंट यानी 5 का हाफ, 5/2 का स्क्वायर प्लस करेंगे यानी 25/2 का होल स्क्वायर प्लस कर दिया, 5/2 का होल स्क्वायर प्लस कर दिया और ये ही चीज माइनस कर लिया, 25/4 माइनस कर लिया, ठीक है। तो क्या होगा, अब ऐसा करने से हमारा इंटीग्रेंट जो होगा वो हो जाएगा डी टी अपॉन टी माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, है ना, टी माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, राइट, टी माइनस 5/2 का होल स्क्वायर टी, और यहाँ पे 6 4 या 24 माइनस 25 माइनस 1/4, तो माइनस 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर, फिर वही आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम क्या लिख देंगे इसका, लॉग एक्स यानी 5/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 प्लस सी। अब हम इसकी वैल्यू अगर रख दें तो ये क्या हो जाएगा, लॉग टी का मतलब ई टू दी पावर एक्स माइनस 5/2, ठीक है, और ये आ गया कुछ इस तरह का, और प्लस ये ई टू दी पावर 2x माइनस 5 ई टू दी पावर एक्स प्लस 6 प्लस सी, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चंस के तरह तरह के एप्लीकेशन हो सकते हैं, कोई और फंक्शन में भी इसको फिट किया जा सकता है। आपको अगर मान लीजिए कि ऐसा भी दिया हो, एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन का एप्लीकेशन, ये क्वेश्चन का एप्लीकेशन क्या होगा कि लिखा हो एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स टू दी पावर 4 टू एक्स टू दी पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कुछ। तो आपको समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लेना चाहिए, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा क्या डी टी, और एक्स डी एक्स के बदले हम लिख सकते हैं क्या हाफ डी टी। तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन जो होगा, इंटीग्रेंड जो होगा वो हो जाएगा हाफ डी टी अपॉन क्या मिलेगा, टू टी स्क्वायर अंडर रूट में 2t² माइनस 3t प्लस 1, और 2 को फिर बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2√2, क्योंकि √2 हो जाएगा बाहर आके, और ये अंदर में क्या बच जाएगा, t dt अपॉन अंडर रूट
टी स्क्वायर माइनस 3/2t प्लस 1/2। अब अगेन फिर टी के कोफिशियंट के हाफ का स्क्वायर प्लस करेंगे और माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रैंड 1/2√2, और ये आ गया dt अपॉन टी माइनस इसके हाफ का स्क्वायर प्लस करेंगे यानी 3/4 प्लस करेंगे, तो 3/4 का स्क्वायर हो गया, और प्लस 3/4 का होल स्क्वायर हमने प्लस किया है यानी माइनस भी करना पड़ेगा, यानी 9/16 माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। तो ये हो गया 1/2√2 dt अपॉन क्या मिल गया, ये हो गया 8 माइनस 9 यानी -1/16, तो टी माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये सारा का सारा कहानी किसके अंदर है, सारा का सारा कहानी रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फिर फॉर्मूला लग गया, यानी वही आ गया 1/2√2 log, बार बार वही फंक्शन आ रहा है, टी माइनस 3/4 प्लस अंडर रूट जो है सो, जो है सो है का क्या मतलब हुआ कि ये सारा फंक्शन आएगा टी स्क्वायर माइनस 3/2t प्लस 1/2, इसी को तो हमने ये सिंप्लीफाई करके बनाया है, तो ये हो जाएगा प्लस सी। अब टी की वैल्यू हम रख देंगे क्या, एक्स स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा वेयर टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3/4, यहाँ एक्स 4 हो जाएगा, यहाँ 3/2 x² हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा, लाइक दिस। इस तरीके से आप एक्स स्क्वायर की अगर वैल्यू रख दें यहाँ पे, तो ये आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा हमारा 1/2√2 log 1/2√2 log एक्स स्क्वायर माइनस 3/4 प्लस अंडर रूट एक्स 4 माइनस 3/2 x² प्लस 1/2 प्लस सी, एंड दैट विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इस तरह से हम क्वेश्चंस के अलग अलग कैटेगरी को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद हम उसको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के बाद फॉर्मूला लगा सकते हैं, और फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर निकल जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरह से अगर आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने अब लगभग 11 लेक्चर कर लिया, अभी आगे भी बहुत सारे लेक्चर होने हैं, लेकिन एक बेसिक बैकग्राउंड फाउंडेशन आपका तैयार हो रहा होगा, हो गया होगा मेरे ख्याल से, और आप बहुत हद तक इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में कामयाब हो रहे होंगे, और हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हो रहे हैं ना, हाँ तो बिल्कुल हो रहे होंगे। आगे और भी टाइप आएगा, अगली क्लास में फिर बात करते हैं, और तब तक आप थोड़ी प्रैक्टिस करते रहें, एंजॉय करें, मस्त रहें, आनंद रहें, और चैनल को देखते रहें। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस, कीप वॉचिंग एंड अवेयर विद द एवरी मोमेंट ऑफ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग। थैंक्स, गॉड ब्लेस।